तो आप एक्साइटेड हो, पहली बार पिक्चर हॉल जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटेड। ले लो मम्मी जो जो लेना है। सबका कुत्ता एटीएम। ये मुझे पता है। अरे तुम्हें कॉफी भी मिल रही है ना, खुश नसीब मानो। यही सीख सकते हो, तुमसे यही भरोसा था, तुम किसी लायक नहीं हो। हेलो गाइस, आज ना थोड़ा सा ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कार्तिक और मैंने ना प्लान किया है कि आज हम अपने मम्मी पापा को मूवी डेट पे लेके जाएंगे क्योंकि मेरे पापा कभी भी पिक्चर हॉल नहीं गए और मम्मी भी नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम वर्षा मम्मी को लेकर गई थी, तो इस बार मैंने सोचा है उन दोनों को ही लेकर चलते हैं। और गाइज, मूवी का कुछ भी पता नहीं चल रहा मुझे कि कौन सी मूवी लगी है, क्या है, पर फिर भी कार्तिक बोल रहा है कि देखता हूँ जो अच्छी लगी होगी उसका टिकट करते हैं। एंड गाइज, जिन्होंने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीडियोस आ गए हैं। और अभी तक उन्हें पता नहीं है कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं। एंड अभी पापा मम्मी लोग घर में है नहीं, अभी आएंगे तो फटाफट रेडी करके मैं उनको लेके जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि ना कि मेरे पापा मम्मी मतलब वो हर चीज करे जो उन्होंने नहीं किया है। सो पापा ना कभी मानते भी नहीं है कि मूवी में चलो, इधर चलो उधर चलो बोलते, वो कभी भी नहीं मानते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिजूल का खर्च है, पैसा बर्बाद है। और कभी कभी मैं ये भी बोलती हूँ कि कुछ खाते हैं बाहर चल के, ये तब भी नहीं मानते। पता नहीं क्यों पापा इतना ज्यादा सोचते हैं, बट इस बार बिल्कुल नहीं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार छुट्टी में हम अच्छे से उनका छुट्टी मनाएंगे क्योंकि अभी हाल ही में उनका लेजर भी हो गया है। मैंने बताया नहीं आपको, उनका आय का लेजर हो चुका है। सो अभी पापा मम्मी को थोड़ा घुमाएंगे क्योंकि थोड़ा यार माइंड फ्रेश भी होना जरूरी होता है। जैसे हम लोग को भी नीड होता है कभी कभी कि बाहर घूमे, थोड़ा चिल करे। तो इस बार मैंने सोचा है कि मम्मी पापा को भी चिल कराएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। एंड पहली बार मतलब काफी टाइम बाद पापा ऐसे छुट्टी पे आए हैं जहाँ पे हम एक साथ दिवाली मनाएंगे और सारी फैमिली एक साथ दिवाली मनाएगी। ऐसा बहुत रेयर होता है, बट देखते हैं इस बार हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो मैं इस बार बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ अपनी फैमिली के साथ हर चीज सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी पापा मम्मी लोग आने वाले हैं, उनको रेडी करके मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज का मेरा आउटफिट मैं आपको बाहर जाके दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत ठंड होने वाली है, मतलब होने वाली मतलब शाम को ठंड हो जाती है, इसलिए मैं पूरा पैक होके जा रही हूँ। एंड पापा मुझे देख के हंस रहे, बोल रहे कि इतना ठंडा तो है नहीं तो इतना जैकेट क्यों पहन रही है। मतलब वैसे तो जैकेट नहीं है, ओवरकोट बोल रहे थे वो, पर ये ओवरकोट नहीं है, ये शर्ट ही है मोटा वाला, पर उनको लग रहा है कि मैं ओवरकोट पहन रखा है मैंने, बट वो ना हाफ पहन के जा रहे हैं। अभी उनको पता चलेगा कि हॉल में जाके कितना ठंडा होता है। तो अभी मैं आपको अपना होल आउटफिट दिखा देती हूँ। तो गाइज, ये है मेरा आज का आउटफिट। ये है मतलब वुलन वाला शर्ट है ये, पापा सोच रहे कि ओवरकोट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये शर्ट है जो कि लॉन्ग है। और नीचे मैंने अपना बेज कलर का पैंट पहना है, अंदर ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का बैग, क्योंकि ये सारा ना ये जो मेरा शर्ट है इसके साथ मैच करेगा। और वॉच और शूज मैंने पहना है रेड टिप का। तो ये था मेरा होल आउटफिट, अभी मैं मम्मी पापा का भी दिखा दूंगी। तो गाइज, मम्मी पापा भी रेडी हो चुके हैं। अभी तो पापा ने जैकेट नहीं पहना था, मुझे देख के जैकेट पहन लिया, क्यों? सर्दी है बोल रहे हैं तो एसी भी तो चलेगा। हाँ वैसे ठंडा है। तो आप एक्साइटेड हो, पहली बार पिक्चर हॉल जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटेड। एंड गाइज, कौन सी मूवी जा रहे हैं ये मतलब हमें भी इतना नहीं पता। राजकुमार राव की मूवी है और अभी हाल ही में कोई अच्छी मूवी भी नहीं निकली है। और ये मूवी का ये था कि जो हीरो है वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा कॉमेडी है। और मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा और अच्छे से मूवी का नाम भी नहीं पता, ऐसे विधि विधा ऐसे कुछ है मुझे नहीं पता, वो अभी बाद में देखी जाएगी वहीं जाके नाम क्या है। सो अभी हम निकल चुके हैं और हम लोग ने अपना ऑटो किया है यहाँ से क्योंकि मुझे उल्टी आती है और पापा को भी थोड़ा कार में सफोकेशन होता है, इसलिए हम ऑटो पे जा रहे हैं। पापा ने पहना है जूडियो का पैंट। सुंदर लग रहे हो सूट पे बहुत। पीछे अंकल भी आ रहे हैं, अंकल नमस्ते। गाइस, मेरी मम्मी मेरी बहुत तारीफ कर रही है। क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छा है, ऊपर वाला पे अच्छा लग रही हो। अब 200 रुपए का माल है। गाइस, ये मैंने घंटा घर से लिया था ओनली फॉर 200 रुपीज। कपड़ा है ना ये, पैसे से नहीं देखा जाता, बस पहनने में जचना चाहिए। हाँ तो बताओ, जच रहा है कि नहीं जच रहा? पर बोल रहे पापा की बहुत छोटी लग रही है हाइट में, अब क्या करूँ, पापा ही छोटे हैं तो बेटी भी छोटी होगी। गाइज, हमारा इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ गया है। यार गाड़ी में ना बड़ा उल्टी आता है। तो गाइज, हम बैठ चुके हैं और अब निकल रहे हैं।
मूवी के लिए या हिपी हैं बुरे ने कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना। गाइस हम कब से चल ही रहे हैं और उजाले से अंधेरा हो गया, अभी तक हम पैसिफिक मॉल पहुंचे नहीं है। और अभी जस्ट मुझे ये पता चला कि पापा ने पैसिफिक मॉल भी नहीं देखा, तो पापा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है, मुझे लगा आपने पहले ही देखा है। बाहर से देखा होगा लेकिन गया नहीं। वैसे आर्मी पर्सन है, अब ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती तो इतना टाइम भी नहीं मिलता तो घूम नहीं पाते, तो इस बार आज तो पापा पूरा मॉल भी घुमाएंगे भाई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पैसिफिक मॉल। कैसा लग रहा पापा? बढ़िया लग रहा है। क्या बोल रहे हैं आप मम्मी को? मैं बोल रहा हूँ स्लिप ना हो जाए। मम्मी को बोल रहे कि यहाँ पे ना फिसलन है ना, बोल रहे मम्मी को फिसल ना जाए कहीं। गाइस मम्मी को ना इसमें थोड़ा डर लगता है। हेलो गाइस, आज एलिसा मम्मी डैडी को घुमाने ले आया है ये, इसलिए मैं एलिसा से बहुत खुश हूँ। तो गाइज अभी हमारे मूवी के लिए टाइम है, 7 बजे की हमारी मूवी है, तो हम कुछ खाने के लिए सोच रहे हैं। मम्मी पापा को मैं यहीं रख रही हूँ और मैं कुछ खाने का ऑर्डर लेने जा रही हूँ। मम्मी खाएगी चाउमीन खाना है, मम्मी को बताओ यहाँ आके भी। पापा कॉफी और रोल खाएंगे है ना, पनीर रोल। ओके चलो, तो मैं अभी जा रही हूँ ऑर्डर देने के लिए। तो गाइज अभी मैंने बर्गर किंग से थोड़ा ऑर्डर ले लिया है, 2 कैपेचिनो और एक पनीर रैप। और ऑर्डर में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं नूडल्स लेने जा रही हूँ। तो गाइज अभी मैंने नूडल्स भी ऑर्डर दे दिया है, 200 का मुझे एक नूडल्स पड़ा है। और मैंने पानी का बोतल भी ले लिया है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा ऑर्डर भी आ गया है, पापा के लिए रैप और मम्मी के लिए चाउमीन, और ये ना हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है एक एक कैपेचिनो के साथ। चलो फिर खाते हैं। कैसा है? अच्छा है, नेपाल का जैसा स्वाद है। ओहो, मम्मी बोल रही नेपाल की तरह स्वाद है। अब पापा खा के बताएंगे कैसा है। अच्छा है, ये खाओ पापा, ये बहुत टेस्टी है। तो गाइज मैं भी चख के एक बार देख ही लेती हूँ मम्मी का चाउमीन। मम्मी बोल रही नेपाल की तरह है, तो खा के देखते हैं। अच्छा सब ये खिलाना पापा, टिक्की जैसा सारी टिक्की है, मजा आ रहा खाने में। चीयर्स गाइस, अभी मम्मी लोग होम सेंटर के अंदर गए हैं सामान देखने के लिए। वाओ, दिवाली के लिए सब नए नए आ चुके हैं सामान। कति राम रोए लक्ष्मी भगवान। वैसे अभी है थोड़ा टाइम, अभी तो एडवर्टाइज चलता रहता है उसमें मूवी में, तो तब तक हम ऐसे घूम रहे हैं। और हाँ, हमारे साथ एक और मेंबर ऐड हो रहे हैं, वो है कार्तिक, जो कि अभी आने वाले हैं। तब तक हम घूम रहे हैं इधर। और ये देखो कितना क्यूट क्यूट है ये कितना क्यूट है। 349 का है ये एक फूल। इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग है गाइस यहाँ पे, हैंडमेड पेंटिंग। ओ वाह, घड़ी कति राम रो। मम्मी को तो बस किचन का सामान ही चाहिए होता है हमेशा। अब तो हमारे पास कैशियर भी है। ले लो मम्मी जो जो लेना है। चलता फिरता एटीएम, ये हम सबका एटीएम। गाइस हमारे घर में जो उस दिन कुशन लिया था ना हमने, दो मम्मी ने ऐसे छुपा रखा है जैसे कैसे रे पापा, बिल्ली अपने पोटी छुपा था। पापा बोले बिल्ली जैसे पोटी छुपाता ना, वैसे मम्मी ने वो कुशन छुपा रखा है, अभी तक निकाला भी नहीं है पिल्लो। होम सेंटर से अब हम जा रहे हैं मार्केट 99, और यहाँ पे भी देख सकते हो कितना मस्त सामान है भाई, दिवाली का इतना अच्छा अच्छा सामान आ रखा है। गाइस सब कुछ दिवाली का है यहाँ पे, कितने सुंदर सुंदर से नहीं लालटीन, ये सुंदर सुंदर हुई हो ना, ये वास है, अच्छा है ना, सुंदर है ना, ये भी कितनी क्यूट है। पापा को क्या हो गया? देख रहा हूँ। बताओ कौन से दुनिया घूमना चाहते हो? इधर उधर करके महाराष्ट्र ही आ जाते हैं। महाराष्ट्र से आया था फिर महाराष्ट्र पोस्टिंग आ गई। पापा की पोस्टिंग पहले महाराष्ट्र थी, फिर अभी दोबारा से वहीं आ गए पापा पोस्टेड। तो वही बोल रहे घुमा फिरा के वहीं आ जाता हूँ मैं। ओ कति क्यूट हो ये यूनिकॉर्न, ये कह रहे कुछ नहीं है। ये एलिसा का फौज। अच्छा मेरा फौज झटकते झटकते वाला। गाइज इनके चक्कर में ना पिक्चर छूट जाएगा, ये तो पता नहीं क्या 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 देख रहे हैं। चलो चलो वापस।
अबे कितनी सुंदर हो यो। प्लास्टिक हो? नहीं नहीं कांच है, प्लास्टिक है ना वो है पत्थर मार्बल टाइप का मिट्टी जैसा। कितने सुंदर सुंदर है यहाँ पे। मुझे पता है ये कार्तिक जी है। छोड़ो छोड़ो। ओह माय गॉड लॉन्ग कोट। कोट फिर तुम भी पापा जैसे गवार काम मत किया करो। कोट नहीं है ये शर्ट है लॉन्ग शर्ट। तो व्हाइट शर्ट में ऐसे देखो व्हाइट शर्ट नहीं है प्रॉपर और इसमें ये देखो फुल फुल अच्छे लग रहे हो। तो गाइज हमारे साथ कार्तिक जी जुड़ चुके हैं। हम इन्हीं का ही वेट कर रहे थे और अब हम जाएंगे मूवी देखने क्योंकि बहुत ज्यादा ही लेट हो गया है। गाइज हम ये वाली मूवी देखने आए हैं दी वडिया की वो वडिया की वो वाली विक्की वडिया का वो वाला वीडियो। चलो विद्या है विद्या का वो वाला वीडियो यही देखने आ रहे हैं। यही देखना है बस। गाइस हमने ना पॉपकॉर्न ऑर्डर दे दिया है और वो ना सीट पे लेकर आएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। जल्दी और ऑडी टू जाना है। ये रहा आ जाओ लेट्स गो आ जाओ। अरे दीवार मत खराब करो। अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है ये। टाइम पे आया अभी है टाइम स्टार्ट होने में। गाइस हॉल तो पूरी खाली है ये देखो क्योंकि मूवी बहुत पुरानी होगी ना इसलिए पता नहीं कब की रिलीज हुई है और अब हमारे ये शुरू भाई नहीं हमारा पॉपकॉर्न आ गया है। पकड़ 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 मम्मी लो ये रख लो आप। तुम ही पियोगे झूठ ना बोलो तुम्हारे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारे तुम्हारे पापा जी का ये है ना पीबीआई जो कॉम्प्लीमेंट्री मिले मेरे पापा नहीं पीते यार। अब आगे तो नाश्ता कर लेनी है ना। गाइज अब जाके इंटरवल हो गया है। माय कोरियन गर्लफ्रेंड इवनिंग चिप्स यू आर लुकिंग लाइक अ कोरियन। आई एम कोरियन। यू आर इंडियन इंडियन प्रो मैक्स कोरियन। प्रो मैक्स इंडियन कोरियन इंडियन भी लगा दिया और प्रो मैक्स भी लगा दिया इंडियन कोरियन। वाओ वाओ। तो गाइज मूवी अच्छी है मुझे जो अच्छी लग रही है कॉमेडी है। ये गाइज मम्मी को पापा लेके जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को बहुत डर लगता है इसमें एलिवेटर में। तो गाइज हमने मूवी भी देख ली और सॉरी एक्सीलेटर जो एक्सीलेटर भी नहीं कुछ नहीं है चलने वाली सीढ़ी खुद को नहीं पता एलिवेटर ही है। गाइज मूवी हमने देख ली। मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी लंबी है पर अच्छी है कॉमेडी है। तुमको कैसा लगा? मुझे तो बढ़िया लगा। अच्छा लगा ये राजकुमार राव की हमेशा हंसते वाली। हाँ मुझे उसकी मूवी ना अच्छी लगती है। पापा मम्मी लवबर्ड्स कैसा लगा आपको मूवी? अच्छा। अच्छा था ना कॉमेडी? बस मम्मी तो बीच में थोड़ी सी सो गई थी मैंने देखा। और मैं कैसा लगा? हाँ भाई एक को अपनी तारीफ की पड़ी रहती है। कोरियन? अरे मेरा आउटफिट यार थोड़ा ऐसा कोरियन बनने की कोशिश कर रहे हो? कैसे लग रहे हो? कोरियन जैसे वही पा रहा है। 200 रुपए का माल इंडियन कोरियन लग रही है जैसे यहाँ पे चाइनीज माल मिलता है ना इंडिया में वैसे ही लग रहा है। देखो ये नकली कॉपी ये कॉपी। अरे तुम्हें कॉपी भी मिल रही है ना खुश नसीब मानो। आय हाय गाइस यहाँ का फूल देखो भाई कितना सुंदर है। ये कितना प्यारा है। फूलों को छुटा मना है यहाँ पे। क्यों मैंने तोड़ा? रात हो रही फूल सो रहे हैं। ओ माय गॉड ऐसे कर रहे जैसे तुम्हारे ही फूल होगा तुम ही ने लगाया होगा। परमिशन मेरे से ही ली थी ना इन्होंने फूल लगाने के लिए। साड़ा बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर लग रही है। दिवाली है ना इसलिए जगमग जगमग हो रहा है। तो गाइज ये जो हमने मूवी देखी ना ये सिर्फ मूवी नहीं थी इसमें ना एक लेसन भी था। बताओ ना पापा बताओ क्या लेसन था आपने क्या सोचा? लेसन ये है आजकल के बच्चे जो गलती करते हैं ना वीडियो वगैरह के ज्यादा चक्कर में पड़ते हैं वो सीडी जो वीडियो बनता है गलत आदमी के हाथ में पड़ जाता हाथ है में पड़ जाता है तो भुगतना कैसे पड़ता है तो इस मूवी देखकर आपको सीख मिलती है। हाँ सीख मिलेगी। तो गाइज ये ना बहुत मतलब मूवी सही बनाया आजकल के जनरेशन के लिए मूवी बहुत सही है ताकि सतर्क रहे है ना। तुमने मूवी देखा तुमने क्या सीखा मूवी से? सीडी छुपा के रखनी है।
यही सीख सकते हो, तुमसे यही भरोसा था, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम यही करोगे जिंदगी में ना। तुमने कुछ सीखा तो नहीं? सीखा मैंने, ये सब बेकार चीज है, वीडियो वीडियो नहीं बनानी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। अच्छा बस गाइस, जैसे तुमने क्या सीखा कि हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहे, सतर्क रहे, आज तक क्राइम पेट्रोल 10 तक। तो गाइस यहाँ से कार्तिक वापस जाएगा और हम लोग जैसे आए थे वैसे जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय। वोट दे दो गाइस, हमारी ऑटो भी आ गई है। कार्तिक बोल रहा था कैब भेजाओ कैब में, मैंने बोला ना, मुझे ना आजकल बहुत ज्यादा ही सफोकेशन हो रहा है, कैब में ना उल्टी सी आ रही है। बाय बाय। मेरे चक्कर में बेचारे पापा मम्मी भी ऑटो में जा रहे हैं। ठंडी तो नहीं लग रही आप लोग को? तो गाइज हम लोग घर पहुंच गए हैं एंड चेंज भी कर लिया है मैंने, बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड है तो मैंने अपना वुलन वाला नाइट सूट भी पहन लिया है गाइज। और अभी चलते हैं सोने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट, तो अभी सोते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है आपको पता है, डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, सपोर्ट करते रहना। ऐसे ही मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू, बाय।